हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। फिर से वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी पसंद की गाड़ी अपने पसंद के डिस्काउंट पर मिल सकती है। मार्च आ गया है, मार्च 2024 आ गया है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। हर कंपनी हर सेक्टर में चाहती है कि ये बहुत ही बढ़िया एक नोट पर क्लोज हो, हमारे फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया रहें, जितना खर्चा हो सकता है वो दिखा दें, जितने टैक्सेस हैं वो बचा लें, और उस कोशिश में वो ज़्यादा बिक्री के चक्कर में चाहते हैं कि डिस्काउंट देकर बहुत सारा स्टॉक जो है उठवा दिया जाए। तो अब डिस्काउंट सभी कंपनीज ने अनाउंस कर दिए हैं। मारुति के ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी गाड़ियों पर बहुत अलग अलग तरीके के डिस्काउंट हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी सभी कंपनीज की बात हम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हुंडई से। अब हुंडई की जो ग्रैंड आइटन नियोस है उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाता है 25,000 रुपए तक का, जिसमें 15,000 रुपए हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अब कैश की अलग से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो डिस्काउंट बाकी सबको मिल जाता है। टोटल जो डिस्काउंट है वो अलग अलग फैक्टर्स हैं, कहीं पर एक्सचेंज है, कहीं पर डीलर के तरफ से हमें कुछ ऑफर्स मिल जाते हैं, कहीं पर कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, वो सबको नहीं मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सबको मिलता है। तो इसके जो पेट्रोल वेरिएंट है उस पर हमें 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑटोमेटिक है उसमें हमें AMT एक्चुअली जिसको बोलते हैं 5,000 तक का डिस्काउंट कैश में मिल जाएगा, 15,000 टोटल मिल जाता है। CNG में 40,000 तक का टोटल डिस्काउंट है जिसमें 30,000 हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और आगे बात करें उसमें जो हमारे पास पेट्रोल है उसमें 15,000 तक का डिस्काउंट है जिसमें 5,000 रुपये कैश डिस्काउंट है। CNG हमें 30,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा जिसमें 20,000 रुपये कैश डिस्काउंट मिल जाता है। I20 में 25,000 तक के डिस्काउंट है जिसमें 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट है। वेन्यू में हमें 30,000 तक के डिस्काउंट मिल जाते हैं जिसमें 20,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। वरना और एल्कजार में हमें 25,000 तक के डिस्काउंट मिल जाते हैं जिसमें 15,000 रुपये हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रेटा और आइनिक 5 पर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गाड़ियाँ आज भी काफ़ी डिमांड में बनी हुई हैं। फिर हम आ जाते हैं टाटा की तरफ। अब टाटा में जो टियागो है और टिगोर है उसमें अलग अलग वेरियंट पर हमें अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमें 15,000 से 30,000 रुपये तक के तो कैश डिस्काउंट मिल जाते हैं। टोटल की बात करें तो 50,000 रुपये तक के डिस्काउंट हमें दोनों गाड़ियों मिल जाते हैं। अब वहाँ पर अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको मिल सकता है अगर आप CNG में सिंगल सिलेंडर ले रहे हैं, ट्विन सिलेंडर के साथ थोड़ा सा अलग है, तो वो डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं अपने नियरेस्ट डीलर पर। इसके अलावा पंच नेक्सॉन पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली बाकी किसी भी गाड़ी पर हमें डिस्काउंट ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको 23 का माल मिल जाता ना, 2023 का स्टॉक कहीं पर खड़ा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया था, एक जगह पर मैंने पता किया था टाटा नेक्सॉन जो प्री फेसलिफ्ट EV है, जो मैक्स है, उस पर हमें 4-6 लाख तक का एक्चुअली डिस्काउंट मिल रहा था। काफ़ी बढ़िया वो डील थी। आज के टाइम पर पता नहीं वो है कि नहीं है, 2-4 लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने बता दिया था शायद वो स्टॉक अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके आसपास अगर कहीं पर 2023 का स्टॉक खड़ा है ना, चाहे EV है या नहीं है, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं महिंद्रा की। हमें पता है XUV 3XO लॉन्च होने वाली है, कभी भी लॉन्च हो सकती है। तो जो अभी XUV 3XO चल रही है उस पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे अनाउंस किए गए हैं। 1,80,000 रुपये तक के आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे जिसमें 1,00,000 रुपये आपको सीधा सीधा कैश डिस्काउंट मिल सकता है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बढ़िया है, फन टू ड्राइव है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप नई गाड़ी का इंतजार कर लीजिए। तो पुरानी अगर कहीं पर उस टाइम पर बची होगी ना जब नई लॉन्च हो जाएगी तो डिस्काउंट और भी ज़्यादा हो जाएंगे। सेम XUV 4XO जो EV में है उस पर हमें 4,00,000 तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। इतना बढ़िया नहीं कर पाई है मार्केट में, लेकिन जिसको लेनी है वो ले सकते हैं, 4,00,000 तक के डिस्काउंट मायने रखते हैं। थोड़ा सा अगर आप और नेगोशिएट कर सकते हैं तो 4 से 4.5 लाख रुपए भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास बलेरो नियो है, 2023 का स्टॉक कहीं पर अगर खड़ा है तो 80,000 से 90,000 रुपये तक के डिस्काउंट मिल जाएंगे। नाना करते भी 40-50,000 रुपये आपको कैश डिस्काउंट उस पर मिल सकता है। XUV 3XO है, स्कॉर्पियो है, इस पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ये महिंद्रा का खेल था। उसके बाद हम आ जाते हैं होंडा पर। अब होंडा के अमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 1,05,000 रुपये तक के हमें डिस्काउंट मिल जाएंगे S वेरिएंट पर, और कैश डिस्काउंट इसमें हमें 35,000 रुपये तक का मिल जाएगा। अमेज VX एंड एलाइट पर हमें 90,000 तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं जिसमें 20,000 कैश मिल जाएगा। अमेज E पर हमें 80,000 तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं जिसमें 10,000 रुपये कैश मिल जाएगा। होंडा सिटी पर 1,19,000 तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं जिसमें 30,000 रुपये हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एलिवेट नई आई थी
लेकिन मार्च का महीना ऐसा है, ऐसी मार पड़ती है कंपनीज पर, या वो चाहती हैं कि हमारा डिमांड प्रोडक्ट जो है डिमांड में रहे, बिक जाए, उस पर भी 50,000 रुपए तक के हमें डिस्काउंट मिल रहे हैं और ये लगभग हमें कैश में ही डिस्काउंट मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं हम किया की। अब किया में कारेन से सेल्टोस है, अगर 2023 का कहीं पर वेरियंट खड़ा है तो उसमें 60,000 से 65,000 रुपए तक के हमें डिस्काउंट मिल जाएंगे, लगभग 40,000 रुपए उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। 2024 का जो माल है उसमें कोई डिस्काउंट किया की तरफ से नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने अभी अपनी गाड़ी जो है अपग्रेड की है, तो वहां पर कोई डिस्काउंट की आप अपेक्षा अब नहीं रख सकते हैं। फिर फॉक्सवैगन की तरफ आ जाते हैं, इसमें हमें 1.5 लाख तक के डिस्काउंट मिलेंगे, वर्टिस में थोड़ा सा कम है, इसमें हमें 30,000 तक के डिस्काउंट मिलेंगे जो कैश में है, टोटल डिस्काउंट लगभग 70,000-75,000 रुपए के आसपास है। टाइगन पर हमें 60,000 तक के कैश डिस्काउंट मिल जाएंगे, टोटल इसमें डिस्काउंट 1.5 लाख तक के हमें मिल सकते हैं। स्कोडा पर हमें 2 लाख तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं, जिसमें 1 लाख तक का कैश डिस्काउंट है, बाकी हमें कॉरपोरेट वगैरह एक्सचेंज वगैरह मिलाकर 2 लाख तक के डिस्काउंट स्कोडा की गाड़ियों पर भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। गाड़ियां बहुत बढ़िया है, 5 स्टार है, सेफ्टी लेकर आती है बहुत ही बढ़िया, इंजन बहुत बढ़िया होते हैं जर्मन कार्स के, तो वहां पर भी आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेनो। अब रेनो की गाड़ियों पर भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है, काफी अच्छा मिल रहा है, 50,000 से 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें हमें 10,000 रुपए कैश डिस्काउंट है, 15,000 एक्सचेंज बोनस है। अब एक्सचेंज मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो एक्सचेंज को भी हमें एज ए कैश डिस्काउंट दे देते हैं, तो लगभग 20,000 से 25,000 रुपए हमें कैश डिस्काउंट रेनो की गाड़ियों पर भी मिल जाएगा। अगर बात करें हम निसान की, अब निसान के पास गाड़ी क्या है, मैग्नाइट ही चलती है, 90,000 रुपए तक के हमें इसमें डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिसमें 20,000 रुपए कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए एक्सचेंज बोनस है, वो भी लगभग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हमें 40,000-50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट दे देंगे। और अगर 23 का माल खड़ा है दोनों ही कंपनीज के पास, तो उस पर तो आपकी मर्जी है, आप कितना उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, 1,00,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट आप कैश में भी ले सकते हैं। निसान मैग्नाइट की अगर बात करूं, उधर काइगर की मैं बात करूं, वहां पर आप ले सकते हैं, काफी बढ़िया है। फिर बात करें एमजी की, अब एमजी के पास ना डायरेक्ट तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुके हैं, कैसे, उन्होंने अपनी गाड़ियों के प्राइस कम किए हैं और उसकी वजह से नेक्सोन पर या टाटा की जो ईवी गाड़ियां ना उन पर भी फर्क पड़ा है। ZS ईवी का प्राइस इन्होंने कम कर दिया है, फिर कॉमेट के प्राइस इन्होंने कम कर दिए है, वहां पर वो टियागो ईवी को इफेक्ट कर रही है, साथ में एस्टर के प्राइस कर दिए हैं, हेक्टर के प्राइस कम कर दिए हैं, तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक के प्राइस इसमें कम हुए हैं, वो आपको डिस्काउंट ही एज ए मिल रहा है। देखिए वैसे तो डिस्काउंट कहीं पर कॉर्पोरेट मिल रहा है, कहीं पर एक्सचेंज मिल रहा है, लेकिन ये तो पूरे के पूरे प्राइस एक्सशोरूम प्राइस ही कम हो गए हैं, तो वो डायरेक्ट आप डिस्काउंट मान सकते हैं। काफी कॉम्पिटेटिव हो गई है एमजी अपनी गाड़ियों को लेकर, और उस वजह से प्रेजेंस उसकी गाड़ियों की काफी बढ़ गई है, एडवर्टीजमेंट काफी बढ़िया ये कर रहे हैं, तो वहां पर आप एमजी की गाड़ियां भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया अब डील वो हो गई है। मार्च 2024 का जो टाइम है ना, अब आपको डिस्काउंट लेने का टाइम है, नेक्स्ट डिस्काउंट आपको बोल रहा हूँ फिर दिवाली के आसपास मिलेगा, लगभग 4 से 5 महीने आपको खाली हाथ बैठना पड़ेगा। तो आप प्लान कर रहे हैं तो अभी के अभी जाइए, आप अपने आसपास देख सकते हैं, 2-3 डीलर पर घूमिए, आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे जैसे मार्च का महीना खत्म होगा ना, जैसे जैसे स्टॉक उनके पास खड़ा रह जाएगा, डिस्काउंट और भी बढ़ सकते हैं, डीलर एंड ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं इस महीने में गाड़ी लेना, नहीं चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।